आज ये अंबेडकर जी के प्रतीकात्मक रूप में संविधान की जो इस संविधान की किताब अंबेडकर जी आज जो नामांकन करने राजा रामपाल जा रहे हैं, उसका उद्देश्य एक ही है कि वर्तमान भारत सरकार के द्वारा जिन अमर शहीदों ने इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए संविधान की व्यवस्था की थी, लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा लोकतंत्र और संविधान को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, तो ये संविधान ख़त्म न हो, इसके लिए जनता में एक संदेश देना है। और ये हम बताना चाहते हैं कि ये सरकार ये गलत बहकावे में न रहे, घमंड में न रहे, ये जनता उनको अगर संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम करेगी तो निश्चित ही इस चुनाव में उनको धराशायी करने का काम करेगी और ज़मीन में लाने का काम करेगी। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक देश एक चुनाव की बात की है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये देश आने वाले समय में रूस और चीन की तरह तानाशाही की ओर जा रहा है, जहां एक ही राजा होगा, कोई लोकतंत्र नहीं होगी। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की जो स्थिति आज के 50 साल पहले थी वही आने वाली है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले लोगों ने तो इस बात को कह दिया है कि इनको संविधान बदल करके 400 पार करने के बाद जो 40 साल पहले ये लोग जूता गाढ़ने का काम करते थे, बर्तन धोने का काम करते थे, उन्हीं को ले जाना, इसलिए 400 पार कराना है। लेकिन इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में ही 400 नहीं, उनको नीचे लाने का काम करेगा और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और संविधान सुरक्षित रखने का काम करेगी।